साहब। ये कैश, ये सोना चांदी सब मेरा है। आएगा सर, क्रिसमस का पेड़। अपुन का चाली में हर साल क्रिश्चियन लोग मनाते हैं ये त्योहार। इस साल अपुन भी सांता बाबा को खुश करने का सोच रहे लाए। हाँ करो, यही सब करो तुम दोनों बेवकूफ। इस शहर को कोई लूट ले जाएगा, लेकिन तुम दोनों लूट के कौन लूट रहा है हमका? ओ जग्गा, ओ जिसे कुछ महीनों पहले पकड़ा था, भाग गया वो जेल से। भाग गया? कमाल कर रहे लग, भागने कैसे दिया रे बाबा? सर, कोई क्लू मिला है का? ये जग्गा इस बार सिर्फ स्टील के सेफ से टारगेट कर रहा है, और सभी सेफ बॉक्सेस के बाहर कुछ अजीब से निशान दिखे हैं। हाँ? और कुछ? एनी क्लू? ओए बेवकूफो, और बाकी जो भी है वो तुम दोनों को पता लगाना है। अब कोई बात नहीं सर, भाग गया है तो क्या हुआ, लेकिन आप लकी हैं कि आपके टीम में हम जैसे टैलेंटेड लोग हैं, हम पकड़ लाएंगे। हाँ, 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 हाँ। क्या सर, जब देखो साहब भड़के ले रहते। वैसे बॉस, ये जग्गा दिखता कैसा था? है जग्गा, याद आया। अब हमारा टैलेंट ही कुछ ऐसा है कि गुंडा का फोटो कभी नहीं भूलता हम। सीधे बैठे रहो चिंपू। देखो, इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर झा टाउन में नहीं थे, इसीलिए आज इस नए डॉक्टर से मिल रहे हैं। वेलकम वेलकम। क्या हुआ बेटा आपको? रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आई हूँ। मशहूर चोर जग्गा, जिसके आतंक से शहर में बहुत खौफ था, जेल से फरार हो गया है और एक बड़ी चोरी करने में कामयाब भी। उसने इतनी बड़ी तिजोरी को कैसे तोड़ा, ये अभी भी बड़ा रहस्य है। सरकार ने जग्गा को पकड़ने वाले को 10 लाख इनाम देने का वादा किया है। मशहूर चोर जग्गा, जिसके आतंक से शहर में बहुत खौफ था, जेल से फरार हो गया है और एक बड़ी चोरी करने में बस 10 लाख। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्राइस मनी और बढ़ जाए। चलो इन पुलिस वालों को अगली चोरी का पता बता दो। यहाँ पे कैसे चोरी हो गई? आजकल कितनी चोरियां हो रही है शहर में। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, पुलिस वालों को ध्यान रखना चाहिए। ओ जग्गा ने ये भी बता दिया था कि वो इस सोने की दुकान में चोरी करेगा, और पर तुम दोनों फिर भी कुछ नहीं कर पाए। सर, हम तो लगाए थे बहुत भारी लॉक, लेकिन वो जग्गा ऐसे भी तोड़ गया। अब बताइए, लगता है कि दांतों से खोला है। ओ क्या बोल रहे हो प्यारे, जाओ कोई और सबूत ढूंढो। चलो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ गया है। आई थिंक पहली बार प्यारे अंकल गलती से ही सही लेकिन सच बात कह गए हैं। सिंपू चलो, एक अर्जेंट काम है। अरे बेटा, आप तो यहाँ पहले भी आए थे ना? एक्चुअली अंकल, मैं अपने लिए नहीं, अपने दोस्त सिंपू के लिए आया हूँ। इसके लिए मुझे एक ऐसा डेंचर सेट बनवाना है जिससे ये किसी भी चोर का मुकाबला कर सके। अरे क्यों नहीं, मैं किसी भी तरह के डेंचर्स बना सकता हूँ। वाओ अंकल, वैसे ऐसा कोई है शहर में जिसके लिए आपने ऐसा कुछ किया हो? अब क्या बताऊँ बेटा, एक ऐसा शख्स है जो आजकल न्यूज में है। नाम नहीं ले सकता मैं उसका, लेकिन मेरे बनाए मेटल डेंचर्स से वो आजकल लखपति बन रहा है। हाय दिया। ओ हाय चिंपू,
पुलिस से खबर है कि आज रात जग्गा मे बैंक में रॉबरी करने वाला है। थैंक्स दिया, आई विल कॉल यू बैक। सिंपू, हो जाए एक और एडवेंचर। चिंपू, वो कीज जो तुमने मांगी थी, लेकिन इनसे करोगे क्या? मुझे एक आइडिया आया है। जग्गा ने ऐसे डेंचर्स बनवाए हैं जिससे वो किसी भी तरह की मेटल की चीजें काट सकता है, और अब इस मैग्नेट से मैं उसको उसी के प्लान में फंसाऊंगा। कैसे? क्योंकि मेटल मैग्नेट से चिपक जाता है, और ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि जग्गा इससे निकल ही नहीं पाएगा, और उसके बाद सिंपू सब हैंडल कर लेगा। हद हो गई है, एक आदमी अभी त्योहार मनाए तो कैसे मनाए? इसीलिए सर, उस जग्गा का इंतजार करते हुए मैं यही के यही इस पेड़ को सजाने का सोच रहा हूँ। अरे ये क्या मुसीबत है? मेरा मनी बैग! रुक जा पिल्ले, रुक जा! It's time for action! रुक जा! अरे बाबा! मार डाला! मेरी कमर! Let's go! हम कहते हैं रुक जाओ नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अरे रुक! ओए रुक पिल्ले, मेरा मनी बैग लेके भाग रहा है। अरे रुक जाओ, ए जग्गा रुक जा, आज तू बच के नहीं जा पाएगा, रुक जा। अब तेरे खैर नहीं। बर्बाद लड़के, रुक! सिंपू, दिया ने राइट टाइम पे पुलिस जीप भेज दी। अब पकड़ के दिखाओ मुझे। हे भगवान, ये तो पुलिस स्टेशन है, भागो! है? जग्गा? ओ, तो इसको भगाते हुए तुम दोनों लाए हो? हाँ सर, अब क्या बताएं सर, अपनी जान पे खेल के लाए हैं।
एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम।